तैयारी विपक्ष को रास नहीं आई और इसे लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। ऐसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस बार भी विधानसभा की कार्यवाही इस सत्र में भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। तमाम खास मेहमान व्यूज के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। व्यूज लें उससे पहले न्यूज देखिए। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। इस दौरान किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विधायक हनुमान बेनीवाल और गोविंद डोटासरा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए। सत्र के पहले दिन विपक्ष सदन पर हावी नजर आया और उपचुनावों का मुद्दा भी छाया रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसा है, वो खुल के बोल नहीं रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो निशाना साध भी नहीं सकते और साध भी रहे हैं। अब मैं इनको क्या सलाह दे सकता हूं, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन ये हारे हैं। थोते जुमले, काम नहीं करना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारों के साथ छलावा, किसानों के साथ छलावा। वहीं विपक्ष के हंगामे पर बोलते हुए मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विपक्ष मर्यादा तोड़ रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने हंगामे का हवाला देते हुए अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिए जाने का प्रस्ताव रखा। वहीं विधानसभा में बीएसी की बैठक भी हुई, जिसमें चार दिन का कामकाज तय किया गया। इसके तहत कल सदन में प्रतिवेदन पर मुहर लगवाई जाएगी, जबकि 9 फरवरी को सीएम अभिभाषण बहस का जवाब देंगी। पर आज प्रतिपक्ष का आचरण और विशेष तौर पर प्रतिपक्ष के सचेतक और उपनेता का आचरण अशोभनीय रहा। उन्होंने न केवल सदन का अपमान किया, बल्कि राजस्थान के 7 करोड़ जनता का अपमान किया, क्योंकि राजस्थान के 7 करोड़ जनता के संवैधानिक प्रमुख के रूप में महामहिम राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए सदन के अंदर अभिभाषण देने पधारे थे। बजट सत्र में उपचुनाव में बीजेपी की हार और किसानों की कर्ज माफी को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट सीबीआई। तो क्या इस बार का बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, या फिर कुछ बेहतर और कुछ मुद्दों पर बहस, फ्रूटफुल बहस होती दिखाई देगी विधानसभा में, ये पूछा जाना जरूरी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। मनीष गोदा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मनीष सर, स्वागत है आपका। फूलचंद भिंडा जी, बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं। फूलचंद जी, आपका स्वागत है। भजनलाल जाटव, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं। भजनलाल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं फूलचंद जी आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन सही तरीके से चले। हम पिछले लंबे अरसे से देख रहे हैं कि विधानसभा की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ हंगामों की भेंट चढ़ती रही है। फ्रूटफुल और बेहतर बहस, जिस बहस के लिए विधानसभा में काम होना चाहिए या बात होनी चाहिए, वो होती दिखाई नहीं देती, तू-तू में ज्यादा दिखाई देती है। क्या कोशिश है सर कि सदन चले, और क्या इसे लेकर कोई बात हुई है विपक्ष से? बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है सर, ये प्रदेश की जनता के लिए। कांग्रेस कभी भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में नहीं रही, उनकी आदत भी नहीं है, उनको हंगामा करना भी नहीं आता। आज हंगामा, लोन माफ कर दो। अरे भाई, कांग्रेस ने कितना लोन माफ किया 54 साल में? ये कर्जदार किसान क्यों हुआ? इनकी नीतियों के कारण से हुआ। सारा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, चाहे खाद है, बीज है, मंडियां हैं, इन्होंने विकसित की। तो इनको ये तो देखना चाहिए कि हमारे जो पाप है उनको हम खुद ही उजागर कर रहे हैं। आज एक प्रतिपक्ष नेता ने विषय उठाया कि संसदीय सचिवों को हटाओ, एक्शन लो, दिल्ली में अयोग्य हो गए। अरे वो खुद रहा, उसको होश ही नहीं है कि पिछली बार खुद संसदीय सचिव रहा तब उसको ध्यान भी नहीं आया। इस कारण से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मर्यादा, हमने भी जब अभिभाषण हुआ राज्यपाल का, तो अपनी कोई बात कहनी है, जैसे अकाल की बात कह दी या बेरोजगारी बात कह दी या जो भी कह दी, एक लाइन बोले उसके बाद बैठ जाते। अभिभाषण होना चाहिए था, यह परंपरा रही है। विरोध दर्ज करने का अधिकार है विपक्ष को, करना भी चाहिए, लेकिन हाउ करते रहे, ये कोई जिम्मेदार विपक्ष नहीं है।
कोई तथ्य नहीं था उनके पास, विकास में कोई कमी थी उस पर बोलते ही है, केवल लोन की बात चिल्लाते रहे, लोन की बात चिल्लाते रहे कि आपने झूठ का पुलिंदा, उसको पढ़ तो लेते, उसमें एक भी तथ्य नहीं है इस प्रकार का जो हमने काम नहीं किया हो। हमने पांच साल में जो काम, चार साल में जो काम किए उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा है, उस लेखा जोखा को पढ़ना चाहिए था। और फिर चार दिन बहस चले गई, उसमें बोले कांग्रेस के लोग आए, बोले तथ्य दें, तथ्य यह भी दें, खुद के पापों का भी दें कि आपने 53 साल तक राज किया, 16 साल तक बीजेपी ने किया, तो 54 साल में क्या हुआ, 16 साल में क्या हुआ, लेकर आए। और अगर ठीक है सर, ये हमने तो बहुत कोशिश कर ली और हमने इस मुद्दे से बाहर निकलने भी, हम तो ये देखते आए हैं सर कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमेशा पुराने रेफरेंसेस देने लग जाती है कि तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, इस पर बात हो, और इस पर बात नहीं होती, सब एक दूसरे के गिनाने लग जाते हैं, आपके वक्त में क्या हुआ, आपके वक्त में क्या हुआ। हम तो ये कह रहे हैं विधानसभा में कम से कम ढींग ठीक से बात हो, ये जरूरी है। बिंडा साहब आता हूं मैं आपके पास में, उससे पहले एक बार जाटव साहब आपके पास में आ रहा हूं। जाटव साहब, राजस्थान की विधानसभा की एक परंपरा रही है, गरिमा रही है सर, और हम राजस्थान की विधानसभा को ऐसे देखते हैं कि दूर के देश के दूसरे हिस्सों से अलग अलग विधानसभाओं से लोग आते थे और ये कहते थे कि साहब अगर मर्यादा से कहीं काम होता है तो राजस्थान में होता है। सर, राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त इस तरह से चीखना हो, चिल्लाना हो, नहीं बेहतर रहता सर उसके बाद में कर लेते जो करना था, कम से कम एक बार राज्यपाल बोल तो लेते। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान के तमाम किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये विपक्ष हमेशा उठाता रहता है। हमारा दायित्व है, हम राजस्थान की जनता की, आवाम की मांगे हम विधानसभा के सदन में रखें। हम लोगों ने जब से विधानसभा सत्र लगते आ रहे हैं, हमने तमाम ये मांगे उठाई हैं, चाहे किसान कर्जा माफी का हो। आज हम लोग विधायक जितने थे, समस्त विपक्ष जो हमारे कांग्रेस दल था, समस्त कांग्रेस विधायकों ने 54 से 55 घंटे तक हमने दिन और रात विधानसभा के सदन में हम लोग धरने पर बैठे, उस बात को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और किसान कर्जा माफी, आज किसान सड़क पर है डॉक्टर साहब, लेकिन जाटव साहब सवाल ये भी तो उठ रहा है किसान की, लेकिन जाटव साहब सवाल ये भी तो उठ रहा है, आप सरकार सुनने तैयार नहीं है तो आप क्या सुनाने तैयार हैं? आज आपके बड़े नेता जितने भी थे कोई विधानसभा में दिखाई नहीं दिया, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो भी दिल्ली गए पहले, कम से कम वो तो दिखाई दे जाते। आज तो ये भी बात हुई ना सर, आज तो ये भी बात हुई कि प्रायोरिटीज क्या है, देखो प्रायोरिटी क्या है सर, विधानसभा की कार्यवाही प्रायोरिटी है या फिर दिल्ली में बता देना प्रायोरिटी है? नहीं नहीं, प्रायोरिटीज हमारी है, हम तमाम विधायकों ने कर्ज माफी का मुद्दा उठाया है, हम आगे भी उठाते रहेंगे। आज सड़कें, जो नौजवान है वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और अभिभाषण जो अब बात करें, भिंडा जी ने बताया कि राज्यपाल का अभिभाषण, उसमें सब हमने सत्य लिखा है, मैंने तो वो उसमें कुछ 40-50 बिंदु मैंने पढ़े हैं। आप एक चीज बता दो, उसमें आदर्श पीएससी की उसमें डिटेल दी गई है, आपने कितना बजट आदर्श पीएससी को दिया, आप कितने आदर्श को उसके लिए आपने डॉक्टर्स लगाए, उसमें कितने आपने, उसमें बड़ी हंसी आती है पढ़ते हुए, कितने किलोमीटर हमने मिसिंग लिंक के बढ़ाई, कितने किलोमीटर आपने मिसिंग लिंक बनाई, कहीं रोड़े आपकी बनी नहीं, नौजवान रो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और डॉक्टरों की जो हड़ताल हुई उसमें कम से कम 350 के आसपास मौतें हुई हैं, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कौन स्वीकार करेगा उन मौतों को? मैं तो पूछना चाहूंगा, भिंडा जी बैठे हैं यहाँ पे हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, कि आज किसान ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया 53 साल के अंदर, हमारे पिछले साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आप सब लोगों ने देखा होगा 72,000 करोड़ का कर्जा किसानों को माफ किया, ठीक है दवाई। अरे नहीं सर, सवाल ये कि विधानसभा की कार्यवाही क्यों नहीं चल पा रही, हम तो ये सवाल कर रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल विधानसभा में होते और सही तरीके से बहस होती। गोदा साहब, राज्यपाल का अभिभाषण तो कम से कम सही तरीके से गोदा सर हो जाना चाहिए ना, उसमें भी तू तू में होने लग जाए, उसमें भी अगर हंगामा। जाटव साहब आऊंगा, जाटव साहब मैंने आपको मौका दिया, एक बार गोदा सर से जवाब लेता हूँ, मनीष जी से, उसके बाद मैं आता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इनके खुद के विधायक हैं वो माननीय सदन तिवारी जी, ठीक है, उनसे वो वही 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 नहीं रह पाए, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जनता का गुस्सा फूट रहा है। मैं जाटव साहब ये सवाल लूंगा, राजस्थान में क्या बुरे हाल है, ठीक है जाटव साहब मैं सवाल लूंगा, उससे पहले एक बार मनीष जी के पास। मनीष सर, कम से कम राज्यपाल का अभिभाषण तो हो जाना चाहिए सर, उसके बाद में जो कहना है उसे व्यवस्थित रूप से कहा जा सकता था। राज्यपाल का अभिभाषण साल में एक बार होता है,
सत्र की शुरुआत जब पहली बार होती साल में तो होना चाहिए था, सरकार उसमें अपनी तरफ से सारी चीजें बताती भी है कि हमने क्या किया चार साल में, क्या हमारी पिछले साल की उपलब्धियां रही। तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, बड़ा नीतिगत दस्तावेज होता है अपने आप में, तो सुनना भी चाहिए था। और सुनने के बाद मुझे लगता है, हालांकि उसको पढ़ा हुआ मान लिया गया, उसके पीछे दोनों कारण थे, लेकिन आप उसको सुन लेते कम से कम। और एक राज्यपाल चूंकि प्रदेश के मुखिया हैं, वो आपके सदन में आए हैं, उनके गरिमा भी होती है अपनी, तो उम्मीद तो यही की जानी चाहिए थी कि होता ऐसा। लेकिन सवाल ये होता है कि विपक्ष के पास भी शायद एक मौका यही होता है, ऐसा लगता है मुझे, कि जब वो इस तरह का वो करके और खुद को जो है सुर्खियों में भी ला सकता है और ये बता सकता है कि नहीं, हमें आपका ये जो उपलब्धियों का बखान है ये सुनना नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, आप ये सब झेलिए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से चलता है, एक ऐसी प्रैक्टिस सी बन गई है कि हम तो इस मामले में, मैं मानता हूं हमारे शुक्रगुजार हैं हम लोग कि दूसरी जगह जो है फाड़ा तो जहां पे होता है दूसरी विधानसभाओं में, कि उड़ा अभिभाषण की प्रतियां फाड़ दी जाती हैं या इस तरह की कुछ चीजें होती है, वो हमारे यहाँ भी फिलहाल नहीं हुई है, तो हम इस मामले में उस हद तक अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। इस तरह इतना नहीं गिरा, यही सब चल रहा है कि ठीक है हम इसको अभी अपने लिए ठीक मानते हैं, चलिए इतना तक ही ठीक है। ठीक है बिंडा साहब, होना नहीं चाहिए। बिंडा साहब, बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाटव साहब ने बार बार, सर पिछले 53 साल में 70 साल में इन सब की दुहाई देने की क्या जरूरत है सर? वो तो अभिभाषण पर बात कर रहे हैं, अभिभाषण में जो चीज है उस पर बात होगी, वर्तमान पर बात होगी, भूतकाल गिना गिना कर कब तक बचेंगे सर और कब तक बचने की कोशिश होगी? मैं तो याद दिला रहा हूं उनको, आप बताइए 15 किलोमीटर रोज सड़कें बन रही हैं, क्या भजनलाल जी के प्रत्येक पंचायत में 1-1 किलोमीटर सीसी नहीं बना? मिसिंग लिंक भिंडा जी, मिसिंग लिंक कब है? अभिभाषण राजपाल का यदि आपने पढ़ा है तो उसमें 3,600 किलोमीटर के आसपास नई मिसिंग लिंक के सड़कों का विवरण दिया है, उसमें विवरण दिया है। हर पंचायत में मिसिंग लिंक की बात कर रहा हूं, मैं मिसिंग लिंक की बात कर रहा हूं जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आदर पीएससी में कितना आप लोगों ने बजट दिया? अभी हमने डिक्लेयर किए, डिक्लेयर अभिभाषण में है, उसको सत्य कहेंगे असत्य कहेंगे क्या कहेंगे आप लोग? यही लिखा है घोषित, क्या सुने उस अभिभाषण को? उसमें झूठ का पुलंदा है, चार बार क्या सुनेंगे हम उसमें? इन्होंने क्या जनता सुनेगी राजस्थान की? एक बार भर्ती किया डॉक्टर, मैंने चार साल में चार बार डॉक्टर भर्ती किए, 16,000 और कर्मचारी लगाए, ये किया ना हमने? ऐसे नहीं किया, बिल्कुल हमने 4500 जो सेकंड ग्रेड के मेल नर्स थे उनको फर्स्ट ग्रेड का बनाया, सब जगह पहुंचे हैं वो, सभी जो सीएससी उनमें पहुंचे हैं सीनियर कंपाउंडर्स, कैसे नहीं किया हमने? भिंडा साहब आज सड़कें जो बन, भिंडा साहब जाटव साहब ये कह रहे हैं, गोरेपत नहीं बना क्या? भिंडा साहब जाटव साहब ये कह रहे हैं कि विपक्ष तो सवाल पूछ रहा है वो अलग बात है, आपकी पार्टी के भीतर से विधायक सवाल पूछ रहे हैं, घनश्याम तिवाड़ी ने आज सवाल पूछे, उन्होंने एक अजीबोगरीब स्थिति में एक बार फिर से आपको लगा जहां तक सर, घनश्याम जी ने उसका मुद्दा उठाया था, व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, व्यवस्था के प्रश्न का जवाब दे दिया गया। अब घनश्याम जी का विषय अलग चीज है, लेकिन उसके कारण से 161 एमएलए का इस प्रकार का है क्या? ये कोई वो नहीं है कि सभी एमएलए गड़बड़ कर रहे हैं, एक एमएलए किसी कारण से अगर बोला है तो उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उसका आधार पर जनरलाइज करना ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कांग्रेस क्या लेकर आई? लोन माफी की बात कर रही है, ये 80,000 करोड़ का बिजली का देके गए थे घाटा, उसको हमने लोन में कन्वर्ट किया ना भारत सरकार के लिए ना, कितने घंटे बिजली आ रही है भिंडा जी बताओ, कितने घंटे आपके आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने घंटे बिजली आ रही है, कितने घंटे आ रही है, समय बताइए कितनी घरेलू बिजली आ रही है, कितनी आपके कृषि कनेक्शन की बिजली आ रही है, आज छात्रों के पेपर चल रहे हैं, स्कूल में परीक्षा हो रही है, 2 घंटे लाइट आती है शाम को, मात्र 2 घंटे लाइट आती है, 23 लाख घरेलू कनेक्शन दिए, दो घंटे इनका 5 साल का हमारा 4 साल का कार्यकाल मिला के देख ले, इनका कहीं टेट था? 2 घंटे लाइट आती है राहुल जी, 8,500 बच्चों को पढ़ाई के लिए लाइट नहीं है, हमने बिजली नहीं है, 6,300 स्कूल खोले हैं सीनियर हायर सेकेंडरी, 8,500 बंद कितने किए ये बताओ, बंद कितने किए? 12,000 स्कूल बंद किए, 20,000 स्कूल बंद किए, क्योंकि उनके पास अध्यापक ही नहीं थे। मैं जाटव साहब ये पूछ रहा हूँ, कितनी नौकरी थी जाटव साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है जाटव साहब सुनिए जाटव साहब, मैं ये कह रहा हूँ, एक गरिमा है विधानसभा में राज्यपाल की मौजूदगी, और हम ये बार 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 देखते आए हैं कि राज्यपाल की मौजूदगी में ही भाषण जब वो कर रहे होते हैं तभी हो हंगामा शुरू हो जाता है, क्या इसे लेकर सोचने की जरूरत नहीं है? विपक्ष कम से कम इतना तो धैर्य रख ले कि वो बोल लें,
वो खड़े होकर के बोल भी नहीं पा रहे थे, वो आजकल खड़े होकर बोल भी नहीं पाते हैं और उनको बोलने में भी काफी श्रम लगता है। उनकी तबीयत उतनी ठीक सेहत नहीं है जितनी कि एक वक्त पर हुआ करती थी। तो ये तो कम से कम हमारी भी गरिमा है कि हम उनको थोड़ा वक्त दें, उनको सुन लें, उसके बाद में हमें जो करना है हम करते रहेंगे। बिल्कुल गरिमा के साथ, बिल्कुल। जैसे ही राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने भाषण अपना भाषण शुरू किया, उसमें तुरंत अपने संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि पढ़ा मान लिया जाए। अरे उसमें जब पढ़ाई मान लिया जाए तो उसको फिर आप क्यों उस परमा की उस गरिमा को पद को आप ऐसे कह रहे हो कि आप पढ़ा मान लिया जाए। जब महामहिम उस भाषण को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पे ये कैसे कह दिया जाए कि आप इसको पढ़ा मान लिया जाए। बार बार अभिभाषण पे क्या उन्होंने पद की गरिमा रखी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने पद की गरिमा रखी, उन्होंने खड़े होकर क्यों कहा? जब महामहिम राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे हैं तो संसदीय कार्य मंत्री का क्या हक बनता है कि इसको पढ़ा मान लिया जाए? ये गरिमा ठीक है? आप बताएं, ये ठीक है गरिमा? नहीं ठीक है, ये कोई ये मैं तो ये ऑर्डर की जो दिक्कत है ये दोनों तरफ से नहीं हो रही। गोदा साहब, दोनों अगर एक बार विधानसभा में बैठ के दोनों पक्ष अगर बात कर लें तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए, और होता ही रहा है। हमने तो हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत का वो जमाना भी देखा है सर, जब क्लैश अपने चरम पर होता था और दोनों तरफ अग्रिम पंक्ति में वक्ताओं की फौज होती थी। लेकिन अब देखिए सर, स्थिति क्या आ गई। देखिए राहुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बैठ करके यदि बात की जाए, संवाद से हल निकलते भी आए हैं हमारे विधानसभा में, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं लेकिन वो आपस की बातचीत से निकलते आए हैं। और जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने की बात थी जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो जब हंगामा हो रहा था और सारी चीजें चल रही थी और उनकी स्थिति जब देखी गई तो मुझे लगता था उन्होंने कहा था, लेकिन ये चीजें आपस में मिल बैठ के तय करनी चाहिए। मुझे लगता है कि विधानसभा की जो गरिमा हमारी बनी हुई है पूरे देश में, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों ही सदन के जो पक्ष और प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं उन दोनों की है। तो जब तक ये दोनों आपस में तय नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये होता है कि तय करने में राजनीति आ जाती है। हर आदमी मैसेज की राजनीति करना चाहता है, हर आदमी ये दिखाना चाहता है कि नहीं, हम जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं। अब उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं वो कलेप्स हो रहे हैं। अब उसका क्या हल निकाला जाए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को खुद को सोचना पड़ेगा कि मंच तो देख लें कम से कम। जहां पे मंच है वहां पर आप बोल लीजिए, जहां जनता के बीच में जाना है वहां बोल लीजिए, सड़क पर बोल लीजिए, लेकिन जो चर्चा का मंच है, जिसकी अपनी एक गरिमा है, जिसकी अपना एक सिस्टम है, जिसकी परंपराएं हैं, उसको तो कम से कम मान लीजिए। तो वहां पे कम से कम वो सड़क जैसा नजारा मत कीजिए, वहां पे कम से कम उस तरह की चीजें मत कीजिए जो आप सड़क पर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सोचना तो दोनों पक्षों को पड़ेगा, लेकिन अब ये जब तक राजनीति जब तक इसमें बीच में फंसी रहेगी, मुझे नहीं लगता है इसका कोई हल निकलने वाला है। क्योंकि ये चीजें हम बीजेपी के समय भी देखते आए, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तब वो भी करती थी राज्यपाल के विभाजन के समय। तो ये चीजें हमेशा होती रही हैं और इसका रास्ता इनको बीच के इन लोगों को ही बैठ के निकालना है कि आपका सदन है, आप चुन करके आए हैं, जनता ने आपको वहां पर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता के मुद्दे वहां पर उठाएं, उन पर चर्चा करें, सरकार से जवाब लें, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करें। क्योंकि वहां जो कुछ होता है वो बिल्कुल पुख्ता होता है, रिकॉर्ड पे होता है। वहां पर जो कुछ सरकार दे रही है जवाब वो रिकॉर्ड पर होता है, उससे डिनाई नहीं कर सकती सरकार। वो सड़क की आम सभा नहीं है कि एक बार आपने कुछ बोल दिया फिर आपने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। वो सदन में है, वो हर चीज रिकॉर्ड पर है। तो मुझे लगता है उस चीज की गरिमा को, उसके महत्व को समझना चाहिए दोनों दलों को, और उसके हिसाब से आचरण भी करना चाहिए कि हम जो उनसे बुलवा रहे हैं वो कम से कम एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है, वो इतिहास का हिस्सा बन रहा है। यदि वो इतिहास का हिस्सा बन रहा है जिससे कि कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो कम से कम उस मंच का उस ढंग से उपयोग तो कर लें। ठीक है भिंडा साहब, कैसे उपयोग होगा सत्ता पक्ष के लिए भी विपक्ष के लिए भी? कब बातचीत करेंगे आपस में ताकि ये कम से कम विधानसभा का सत्र डूबे नहीं? नौ साल से मैं हूं सदन में। हमने भी कभी एक बार हमने मुद्दा उठाया था किसी बात का, एक मिनट तक उठाया, उसके बाद हम बैठ गए, अभिभाषण पूरा हुआ। ये भी बोल सकते थे ना किसानों के इतने हितैषी हैं, तो आप देख लेना राहुल जी, आप जरूर देखो इस बात को कि जिस दिन एग्रीकल्चर पर डिबेट होगी उस दिन ये कितने लोग रहेंगे। अगर 22 में से 11 भी रह जाए तो मेरे शकल पर थूक देना आप। ऐसी स्थिति रहती है, कितनी हितैषी है और कब तक कहेगा? कभी एक मुद्दा मिल गया यूपी के कारण से, इसलिए उसको पिछले सत्र में भी उठाते रहे, लोन माफ। अरे लोन माफ का हम कह चुके, कमेटी बना दी, जरूर करेंगे,
लेकिन कोई सिस्टम होना चाहिए किसको लाभ पहुंचाया जाए, केवल एक ऑर्डर से निकाल दें कि लोन माफ हो गया, लेकिन व्यवस्थाएं भी तो होती है, सिस्टम भी होता है, बैंक भी उसमें है। राजस्थान सरकार तो केवल फाइनेंस देगी लेकिन बैंक भी सिस्टम भी है उसमें। इस कारण से एक लेकर के लैंड ऑर्डर, अरे लैंड ऑर्डर में पढ़ो सही, पिछले वर्ष की तुलना में लगातार अपराधों में कमी आ रही है। इस बात को पढ़ो, समझो इस बात को कि कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, ठीक है। और उसके बाद भी हम केवल लकीर के फकीर उसमें हो जाए। जाटव साहब देखिए बहुत हुआ, जाटव साहब ये तू तू में बहुत हुई, बहस नहीं हो पा रही, ठीक है ना। अब एक बेहतर तरीका यही है कि आपस में बैठ के डिसाइड किया जाए कि आगे का विधायी कामकाज कैसे होगा, कैसे फ्रूटफुल और अच्छी बहस हो पाएगी। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता आपस में बात कर ले, रास्ता निकाल ले। राहुल जी और ऐसा ही होता रहा है राहुल जी भूतकाल में भी। चुनाव होता है, हाँ। चुनाव में वायदे किए जाते हैं, घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र के हिसाब से वायदे होते हैं। स्वराज संकल्प यात्रा का अर्थ जो जनता को हसीन सपने दिखाए थे, हम 15 लाख लोगों को रोजगार नौकरियां दे देंगे, जनता सवाल पूछेगी और हम सवाल पूछेंगे कितने लोगों को रोजगार नौकरियां दी, कितना आपने कर्ज माफी किया, कितने आप लोगों ने सड़कें बनवाई। और आप सब लोग देख रहे हैं राजस्थान में हम लोग सड़क पे उतरे, सड़क पे हमारी बात नहीं आई। हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा, उसमें अपनी बात रखेंगे। और हमारी जो मांग है, हमारी मांग नहीं राजस्थान की आवाम की मांग है, किसान की कोई पार्टी नहीं होती, किसान अन्नदाता होता है देश का 80%। किसान की पार्टी नहीं होती लेकिन सियासत उसको किसी ना किसी पार्टी में जरूर डाल देता है सर। किसान की कोई पार्टी नहीं होती लेकिन किसी ना किसी पार्टी में जरूर डाल दिया जाता है सर। ये सियासत और यही किसान की परेशानी है। राहुल जी, किसी ने किसान पे कामरेड का ठप्पा लगा दिया, किसी ने कमल का और किसी ने हाथ का, ये तो किसानों के साथ। राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी, आप लोगों ने देखा है। सर जाटव साहब, मैं तो ये कहता हूँ आप किसानों का मुद्दा उठाते हैं ना सर, उसमें अगर किसानों का मुद्दा उठ रहा है तो किसानों पर जब बहस हो तो सबके साथ मौजूद हो, कोई दिल्ली घूमने नहीं गया, ये कह रहा हूँ। बिल्कुल तैयार, तब कम से कम 54 घंटे बैठे सबके साथ विधानसभा में हो। हम जमीन पर बैठ के प्रस्ताव दिया था, बैठ के बैठे रहे, कोई बात करने को नहीं आया। अच्छी बात विधानसभा में होगी, किसान देख भी रहा है सरकार की तरफ से, कौन कितना हो हल्ला करके सिर्फ क्रेडिट लेने का काम कर रहा है और कौन उनको टालने का काम कर रहा है। मांग हमारी जायज है, आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से सवाल पूछा सर, सुनिएगा, ये सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है, सुनिएगा सर और देखिएगा। आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से सवाल पूछा, क्या उनको आशंका है कि इस बार का भी बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। 90% ये मानते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, उनको बहुत ज्यादा यकीन नहीं है दोनों ही सियासी पार्टियों पर कि साहब वो कुछ डिबेट करना चाहेंगे। सबके सब चाहते हैं कि साहब पतली गली से निकल लें और यही सत्यता हो गई है विधानसभा सत्रों की और यही सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, फूलचंद भिंडा साहब आपका शुक्रिया, जाटव साहब आपका शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे इस बार के बजट सत्र में कम से कम तू तू मैं कम और बातचीत ज्यादा, ये जनता आपसे एक्सपेक्ट करती है, विधायकों से एक्सपेक्ट करती है और इसीलिए वोट देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए परंपरा बन गई है, एक अंदाज बन गया है और अपने आप को चर्चित करने का एक तरीका बन गया है कि विधानसभा की कार्यवाही न चले और हम सिर्फ आवाज ऊंची करें, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, और फिर बात को टाल दिया जाए और अगले दिन उनका हंगामा सुर्खियां बन जाए या फिर किसी को टालना सुर्खियां बन जाए। सवाल यही है कि ये कब तक चलेगा और जनता इसे कब तक देखती रहेगी। विधानसभा में फ्रूटफुल बहस जरूरी है और उसका इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही, आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।